गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सारिका। सो एज वी प्लान, शैल आई बिगिन विद मैट्रिसेस देन? यस मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैट्रिसेस इज प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। सिंगुलर में मैट्रिक्स कहते हैं। A matrix is rectangular arrangement of numbers or functions. In rows and columns. ठीक है, अभी एक्सप्लेन करते हो। In rows and columns. Okay, then इसका क्या मतलब है? मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स। तो इम्पोर्टेंट क्या समझना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट। जैसे कभी कभी देखते हो ना, जो घर के आसपास शॉप्स होती हैं जहाँ पर कि ये कॉमन डेली का सामान मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि दे अरेंज देयर थिंग्स इन अ शेल्फ। एक शेल्फ होता है जिसमें अलग अलग एक कवर्ड होती है जिसमें अलग अलग शेल्फ्स लगे होते हैं और उसको पार्टीशन कर रखा होता है। तो अलग अलग मतलब उन्होंने वो बना रखे होते हैं जिसे कहा जाए कंपार्टमेंट्स। तो एक में उन्होंने बिस्किट रख दिया, एक में रस्क रख दिए, एक में इसी तरह से कुछ और चीज रख दी, ऐसे रखा होता है ना सामान, देखा? यस मैम। ऐसे करके उनके शॉप्स पे जाओ तो ऐसे करके होता है, ऐसे कुछ बना रखा होगा इस तरह से, फिर ऐसे बना रहे। और ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में उन्होंने यहाँ कुछ रख दिया, इस तरह से अपना सामान को अरेंज करते हैं, सामने से दिखता रहता है एंड यू आस्क। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। मैट्रिक्स इसी तरह से एक अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो होती है ये रोज होती है इस तरह से, ये जो रोज, ये फर्स्ट रो है इसके इस तरह से, ठीक है, ये रो वन, ये हम इसको कहते हैं फर्स्ट रो। ऐसे ही ये सेकेंड रो हॉरिजॉन्टल, और इसी तरह से ये थर्ड रो। तो ये इसकी ये रोज, नेक्स्ट इसी तरह से ये इसकी फोर्थ रोज, ठीक है। और वर्टिकली जो है ऐसे, ये इसके कॉलम्स। और कितने कॉलम्स है इसमें मैम? फोर कॉलम। ध्यान से देखो, सॉरी मैम, फाइव कॉलम। फाइव, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो देयर आर फाइव वन, राइट। तो ये वर्टिकली कॉलम्स कहलाते हैं, वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो रोज कहलाती हैं। जब तुम क्लास में बैठते हो तो मैम जो है फर्स्ट रो जब कहती है तो वो एक्चुअली में फर्स्ट कॉलम होता है हमारे मैट्रिक्स का, ऐसे समझ रहे हो? स्कूल में डे टू डे लैंग्वेज में देखते हो, हम कहते हैं फर्स्ट रो के बच्चे स्टैंड अप, तो वहां पर फर्स्ट रो एक्चुअली में क्या होती है? वो फर्स्ट कॉलम होती है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन हमारे यहाँ पर वो रो नहीं है, वो कॉलम है, तो इसलिए तुमने कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें कैसे याद रखना है, क्योंकि डे टू डे लैंग्वेज में उल्टा यूज होता है, कॉलम तो यूज ही नहीं होता, सिर्फ रो यूज होता है ना। तो हमारे यहाँ पर इस मैट्रिसेस में हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन सेम रो, और वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन द सेम कॉलम, चाहे वो जो सा भी नंबर, राइट। एंड इट इज denoted, denoted मतलब it is named,
it is denoted by capital letter. Capital letter. It is denoted by capital letter. तो जैसे हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं तो उसको सिर्फ ऐसे ही रोज और कॉलम्स में नहीं लिख देते, लाइक दिस टू थ्री वन फाइव माइनस वन हाफ नाइन रूट सेवन सिक्सटीन, ऐसे ही नहीं लिख देते. हम क्या करते हैं, ये सिंबल यूज करते ब्रैकेट्स यूज. तो या तो ये ब्रैकेट यूज होती है या फिर ये ब्रैकेट यूज होती है, एनी ऑफ द कोई भी ब्रैकेट यूज. तो दिस इज मैट्रिसेस, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ये क्या है, इसके एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, टू थ्री वन फाइव माइनस वन हाफ नाइन सेवन सिक्सटीन, ये इसके एलिमेंट्स है. एलिमेंट्स और इसको हम कहते हैं एंट्रीज. तो ये जो नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं, फंक्शंस कैसे हो सकते हैं, जैसे दिस बी इक्वल टू, मान लो हमने लिख दिया सेवन टू माइनस वन साइन थीटा वाई कॉस थीटा एक्स ट्वेंटी नाइनटीन बाय सेवन, ऐसे मान लो कुछ भी दे रहा. तो ये जो है ये हमारे पास दीज आर द एंट्रीज एंड दीज एंड जो इसके एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड फंक्शंस या जो भी है, दीज आर कॉल्ड एंट्रीज. तो इसको हाफ टू माइनस सिक्स, सो एलिमेंट्स ऐसा समझो नंबर्स और फंक्शंस इधर लिख देते हैं, नंबर्स और फंक्शंस. In the matrix are called its elements or entries of matrix. Or so terminology हमें clear होनी चाहिए. फिर sin theta y टू सेवन, ये सब इसकी entries हैं. ऐसे ही ऊपर वाले matrix में नाइन न्यू सेवन सिक्सटीन, ये सब इसकी entries हैं. So, first thing which you need to understand in a matrix is order of a matrix. Order of a matrix. ये सबसे पहली चीज है जो हमें इसमें समझ आनी चाहिए. तो order of a matrix जो है उसको हम कैसे define करते हैं? It is normally denoted by order of a matrix by in general by the symbol M by N. इस तरह से ही. इसका मतलब क्या है, दैट इज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. जिन्होंने क्रॉस लिखा इसको बाय पढ़ते हैं, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है बट इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन. जैसे हम एरिया लिखते हैं ना, थ्री स्क्वायर मीटर बाय फोर स्क्वायर मीटर, ऐसे एरिया लिखते हैं ना, तो थ्री इंटू फोर तो नहीं कर रहे थे, तो किसी भी उसके स्क्वायर की या किसी की डायमेंशन लिखते हैं तो थ्री स्क्वायर बाय फोर स्क्वायर बोलते हैं ना, कि हमारा जो रूम है इट इज नाइन स्क्वायर मीटर बाय सॉरी नाइन मीटर बाय सेवन मीटर, तो वो हमारी वहाँ पर डायमेंशन होती है. तो जैसे हम किसी भी रूम की या किसी भी प्लॉट की डायमेंशन बोलते हैं तो बाय वर्ड यूज करते हैं, ऐसी तरह से ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में हम बाय वर्ड यूज करते हैं. तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन यूज सिंबल इनटू तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये जो एम सिंबल है, एम सिंबल जो पहले वाला सिंबल है, चाहे वो एम बाय एन करे या एन बाय एम करे या पी बाय क्यू करे, कुछ भी यूज कर देते हैं, जैसे पी बाय क्यू भी हो सकता है. तो ये जो फर्स्ट सिंबल है इट इज फॉर नंबर ऑफ रोज, हमेशा पी इज फॉर नंबर ऑफ रोज, ऑलवेज चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेंगे तो गलत हो जाए. क्यू इज फॉर नंबर ऑफ वन, ये नहीं कि हम कॉलम्स पहले लिखते हैं और रोज बाद में लिखते हैं, ये मर्जी नहीं चलती, पहले वाला रोज दूसरे वाला कॉलम. तो जैसे ही ऊपर मैंने बी मैट्रिक्स लिखी है तो इसका क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स कितनी रोज है इसमें,
एंड थ्री रोज एंड फोर कॉलम. तो जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमारे सामने आता है सबसे पहले हम उसके ऑर्डर ऑब्जर्व करते हैं. जैसे थ्री बाय फोर, तो थ्री बाय फोर लिख देते हैं इसके साथ ही. या पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी थ्री बाय फोर. तो बी थ्री बाय फोर का मतलब है बी इज अ मैट्रिक्स. इट मीन्स बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय. ठीक है, अब एक ऑर्डर क्या है? एक ऑर्डर क्या है? थ्री इंटू थ्री, थ्री बाय. ठीक है, तो इसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री है. आगे हम पढ़ेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, जैसे किसी भी रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड इक्वल होते हैं तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं. उसी तरह से मैट्रिक्स में भी इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ इफ सपोज आई राइट अ मैट्रिक्स सी इक्वल टू टू माइनस वन फाइव सिक्स टू जीरो जीरो जीरो. अब इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर टू इंटू फोर. कितनी रोज है? टू इंटू फोर है. Yes, रोज हमारे पास टू है. वो तो कॉलम्स है, ये तो वर्टिकल है. सॉरी मैम, फोर इंटू टू. यही तो समझना है. फोर बाय वर्टिकल आर कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल आर रोज. ठीक है, समझ आ गया? Yes, ma'am. Write a matrix P equal to 2, minus 1, 5, 6, 9, 3, 2, 0, 0, 0. Now? Ma'am, 2, comma, 5. 2 by 5. ठीक है, 2 by 5. 2 rows 5. Right? So, this is order of a matrix. Okay, suppose you are given a Q matrix, 3, minus 1, 6, 4, now? 1 and 2, 4. 1, okay. इसी तरह से एक matrix देखो. तो फिर ये row matrix हो गया. हाँ, वो भी type of matrix में पढ़ेंगे. Now this R. 4 into 1. ठीक है, तो ये समझ में आ गया, मैट्रिक्स समझ में आ गई. यस मैम. कि मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स. ओके, और नंबर्स और फंक्शंस को क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. एंड देन मेन थिंग इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स व्हिच इज ऑलवेज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. राइट. Now the next thing is that जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स. अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं टू को, तो इट इज इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, इसी तरह से थ्री जो है इट इज इन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं इनको हम पोजिशन वाइज डिनोट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टाफ रूम में बैठी हूँ, मैंने लोकेट कर लिया कि सारिका जो है आज किस टेबल पर बैठी है, और मुझे सारिका को बुलाना है, मुझे सारिका का नाम नहीं पता. तो नेचुरली आई सेंड अ चाइल्ड और उसको बोलूँगी कि बेटे गर्ल जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में बैठी है उसको बुला के, है ना. तो मैं लोकेट करूँगी ना तुम्हें विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम. अगर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है या किसी टीचर को तुम्हारा नाम नहीं पता है, शी वॉन्ट्स टू कॉल यू, तो शी विल से बेटे वो जो है लड़की फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में बैठी है उसको बुला. तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम इन एंट्रीज को हम नेम करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पोजिशन.
तो जो एलिमेंट जो है फर्स्ट रो में होता है उसको हम A11 लिखते हैं। मान लो हमारे मैट्रिक्स A है तो हम A11 लिखते हैं। जो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में होगा उसको A12 लिखेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में A13, A14 लाइक दिस भी राइट। A21, A22, A23 क्योंकि अभी सेकेंड रो स्टार्ट हो गई। A2 इसी तरह से थर्ड रो है तो A31, A32, A33, ठीक है समझ में आ गया। तो जब भी हम Aij सिंबल यूज करते हैं इन अ मैट्रिक्स तो Aij एलिमेंट क्या है? इट इज इट्स एन एलिमेंट रो एंड कॉल एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ये नोटेशन हम यूज करते हैं। तो जैसे मैं तुमसे पूछूं कि इन द मैट्रिक्स बी, इन दिस मैट्रिक्स बी व्हाट इज B31, तो B31 क्या होगा? यहाँ मैट्रिक्स बी में B31 एलिमेंट तो ऐसा नहीं कि नॉर्मली जैसे बी मैट्रिक्स है तो हम B11 B12 लिख देते हैं, सी मैट्रिक्स है तो C11 C12 Cij यूज करते हैं, ए है तो Aij यूज करते हैं, और ऐसा नहीं है कि यही यूज करना है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन B31 ऑफ मैट्रिक्स बी इज एक्स। इसी तरह से B13 ऑफ द मैट्रिक्स इज B13 क्या B13 कौन सा एलिमेंट है? यस मैम B13 मैम B13 है -1 ठीक है। और B23 मैम cos थीटा राइट समझ आ गया। तो इस तरह से तुमसे कोई भी एलिमेंट यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसी तरह से मान लो मैं पूछूं A32 A32 क्या है मैट्रिक्स ए का? A32 5 ये 5 नहीं लिखा मैंने, ये √7 लिखा। यस मैम √7। और अगर A23 लिखो तो A23 कौन सा? A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम A32 या A23? A23 A32 तो बता दिया A23 व्हाट इज A2 मैम 1.5 A23 इज ठीक है। समझ में आ गई बात? इतना समझ में आ गया बेटे? यस मैम। Aij इज एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से पूछा जाए P33 P33 क्या होगा इसमें? मैम इसमें मैम इसमें थर्ड रो है ही नहीं तो डजंट एग्जिस्ट ठीक है ना। P33 डजंट एग्जिस्ट ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा Aij हम यूज करेंगे एलिमेंट फॉर ith रो एंड jth कॉलम। तो अगर मुझे एक मैट्रिक्स ए लिखनी है जैसे ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x4 ठीक है। अब मान लो हमें एक बड़ी मैट्रिक्स लिखनी है ऑफ ऑर्डर m रोज एंड n कॉलम्स। तो हम मैट्रिक्स ए जनरल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, जनरल मैट्रिक्स ए जनरल मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाय जो ऊपर लिखी है वो जनरल मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर 3x4 इसी तरह से ऑफ ऑर्डर m बाय। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? A11
A12, A13, और ये फर्स्ट रो चलती जाएगी कहां तक, लास्ट एलिमेंट क्या होगा क्या? आई आई को लास्ट एलिमेंट कितने एन एन कितने कॉलम्स है एन, तो ये एलिमेंट को क्या लिखेंगे एन कॉलम्स, एन कॉलम तो है, यहाँ क्या लिखो ए ए वन एन वन, ठीक है ना। इसी तरह से ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ये चलता जाएगा और ये लास्ट में क्या आ जाएगा ए टू एन टू एन, और ये इस तरह से ये मैट्रिक्स को हम कंटिन्यू करते रहेंगे लाइक दिस एंड विल गेट mth row in the end, तो लास्ट रो क्या होगी इसकी am1 am1 am2 am3 and so on, और ये एलिमेंट जो होगा am, ठीक है। अब इसी तरह से कोई तुमसे पूछे इसकी ith रो क्या हो, ith रो के एलिमेंट्स क्या हो, ये सिंपल हमें अच्छे से समझ आए हुए होंगे तभी हम एमसीक्यू के क्वेश्चन कर सकते हैं। आईथ रो मैम वो आईथ रो में एलिमेंट जो रो आई में लाई करता होगा और कॉलम जे में लाई करता होगा, तो ठीक है फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा आईथ, ऐसे तुमने ए टू वन ए मैम वन ए वन वन ए वन वन तो ऊपर आया ए वन, वो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, मैं आईथ रो की बात कर रही हूँ। ए जैसे mth रो थी तो उसको हमने ए एम वन कहा, ये mth रो है ठीक है ना, तो ऐसे आईथ रो होगी तो कैसे क्या लिखेंगे यहाँ मैम ए आई ए वन आई, ए वन आई क्यों, आईथ रो है आईथ रो है तो ए आई वन, ए आई वन, ऐसे नेक्स्ट क्या होगा ए आई टू, सेकेंड कॉलम आ गया ना, अब ऐसे ही नेक्स्ट बनेगा ए आई थ्री, सो और ये लास्ट में जो बनेगा दिस विल बी ए आई एन, ठीक है। और ऐसे ही मान लो मुझे जेथ कॉलम लिखना है तो यहाँ क्या आएगा जी, फर्स्ट रो में जेथ कॉलम ए जे आई ए जे आई, ए आई कहाँ से आ गया, ए जे और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो है बेटा, फर्स्ट रो जेथ कॉलम ए वन जे, हाँ ए वन जे, नेक्स्ट क्या आएगा सेकेंड रो आ गई ए टू जे, ए टू जे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आएगा ये क्या आएगा यहाँ पर आईथ रो में आगे, यहाँ क्या आएगा ए थ्री जे, ए थ्री जे थर्ड रो तो दिख रही है ना, सीधा आईथ रो में पहुंच गए, यहाँ क्या आएगा ए आई जे, ए आई जे, और ऐसे ही नीचे आते जाएंगे लास्ट में क्या आएगा ए एम जे, समझ आ गया कैसे लिखना है, गुड सारी ये अंडरस्टूड ना। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन जिसकी हमने आईथ रो भी लिखती और जेथ कॉलम, ठीक है। अब इतनी बड़ी मैट्रिक्स जब भी उसको एक एम बाय एन की मैट्रिक्स की बात करनी है, अगर वो इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिखते हैं तो इतना सारा स्पेस भी जाएगा, और तुम्हें भी अगर पेपर में लिखना है क्वेश्चन पेपर में है या लिखना है तो तुम्हें भी इतना स्पेस यूज करना पड़ेगा, इतने सारे एलिमेंट्स में लिखने पड़ेंगे एम बाय एन मैट्रिक्स के लिए। तो उसको इजी करने के लिए क्या किया गया कि इसके लिए एक नोटेशन बना कि हमें हर वक्त प्रिंटिंग में इतना बड़ा बड़ा ना प्रिंट आउट करना पड़े, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया एक नोटेशन ए आई जे, ये क्या है इसका जनरल एलिमेंट ए आई जे, आई एथ जे एथ कॉलम ए आई जे, और यहाँ पर हमने ऑर्डर मेंशन कर दिया एम बाय। तो अगर पेपर में लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन, इसका मतलब वो ये वाली मैट्रिक्स की बात है, इतनी बड़ी मैट्रिक्स इसके एम रोज हैं एन कॉलम्स हैं
और इसके एलिमेंट्स जो है A11, A12, A13 इस तरह से चलेंगे, ठीक है, जैसे पेपर में लिखा है A इक्वल टू A आई जे 2/3। इसका मतलब क्या है कि A एक मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज है और 3 कॉलम्स, और उसके एलिमेंट्स कैसे ए आई जे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2 रोज 3 कॉलम्स की, तो क्या बनेगी मैट्रिक्स A12 कहाँ तक जाएगा, ये ए आई तक ना, कहाँ तक, कितना है ये मैम, थर्ड रो तक जाएगा, थर्ड कॉलम A13, ठीक है। अब सेकेंड रो ऐसे ही लिखेंगे A21 A23 समझ में आ गए, यस मैम। ऐसे ही मान लो, अब तुम बताना B इक्वल टू पी आई जे, और यहां पर उन्होंने लिख दिया 3 रोज 4 कॉलम्स, क्या आएगा A11 B11, मैंने B लिखा तो B11, B11 B12 B13 और फिर B21। कहाँ तक जाना है, कितने कॉलम्स है मैम, 4 कॉलम, फिर B14। नेक्स्ट बी B21 B22 B23 और B24। नेक्स्ट B31 B32 B33 B34। ठीक है, समझ में आ गया बेटे। अब चेक भी कर लोगे कि ये 3/4 बन गई है, 3 रोज है, 4 कॉलम से चेक। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के जैसे मैं लिखूं, राइट अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे 3/2 वेयर ए आई जे इक्वल टू I square माइनस J, ठीक है। अब पहले तो ये देखो कि हमें चाहिए क्या, ए आई जे 3/2, बाद में इसको देखो, पहले इसको देखो। अब A इक्वल टू ए आई जे 3/2, पहले ये मैट्रिक्स देखो क्या बनेगी, 3/2 की मैट्रिक्स मैम, A11 A12 और फिर मैम A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब दूसरा तुम्हें ये दे रखा है कि ए आई जे की हमने वैल्यू कैसे निकालनी है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर करके निकालनी है। तो अब इसको हम फर्दर हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल देंगे इस लॉजिक के साथ, ऐसे कोई भी लॉजिक गिवन हो सकता है। तो A11 किसके इक्वल होगा, इसके ऊपर A11 किसके इक्वल होगा, इस हिसाब से A11 इक्वल टू 1^2 - 1^2। तो 1^2 - 1^2 क्या हो गया, 1^2 - 1^2 = 0, तो ये 0 हो गया। अब ऐसे ही A12 किसके इक्वल आएगा, 1^2 - 2^2, तो किसके इक्वल हुआ, -3 - 3, तो यहाँ पर -3 लिखते हैं। ऐसे A21 किसके इक्वल होगा, 3 बी A22 0 A31 8 A32 8 3 5, राइट। तो इस तरह से कोई भी लॉजिक गिवन हो सकता है। अब तुम्हारे पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन है और फिर मैम उसमें आ जाए कि देन A=3 2, क्या A=3 2
देन ए थ्री टू इज इक्वल टू कौन से वाले में मैम? ऊपर के क्वेश्चन में फिर आगे ये भी तो जुड़ सकता है कि हमने इतना कर दिया देन ए थ्री टू इज इक्वल टू और फिर हमें ऑब्जेक्टिव के आंसर दे देंगे कि ये है। हाँ हाँ अगर मैं पूरी मैट्रिक्स पूछेंगे तो पूरी मैट्रिक्स देंगे आंसर में, अगर कोई एक एलिमेंट पूछेंगे तो खाली ए थ्री टू भी पूछ सकते हैं। ए थ्री टू पूछेंगे तो उसके लिए तो फिर सीधा यही से ही निकाल लोगे ना, थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर जैसे अभी किया, ठीक है। और पूरी मैट्रिक्स पूछी होगी तो पूरी मैट्रिक्स करनी पड़ेगी। तो अब पेपर में जो तुम्हें क्वेश्चन आया था वो इस तरह से आया था, ए इक्वल टू शायद मैट्रिक्स ही निकाल दी थी, तो एलिमेंट भी पूछा जा सकता है, ए इक्वल टू ए आई जे, मुझे याद नहीं क्या था, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, थ्री बाय फोर वेयर, कर लेना ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का जो गया है, वेयर ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई इज लेस देन जे एंड इट इज, पता नहीं क्या था, मैं तो अपने हिसाब से ऐसे लिख रही हूँ, वन इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया तुम, अब पहले तो a इक्वल टू ए आई जे थ्री बाय फोर, तो पहले तो यहाँ पर ए आई जे थ्री बाय फोर लिखो, क्या बनती है, क्या बनेगी, ए वन वन ए वन टू आगे ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर फोर ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर। मुझे ये याद नहीं है क्या था क्वेश्चन में, ऐसे दे रखा था या ये जीरो दे रखा था और यहाँ पर कुछ आई माइनस जे दे रखा था, मुझे अब याद नहीं है ना। अभी हम ये वाला कर लेते हैं, फिर हम उसके हिसाब से कर लेंगे, अभी वन से ही कर लेते हैं, जीरो वन, ठीक है, और अदरवाइज जो भी लॉजिक होगा उससे निकाल, ठीक है। दिस इक्वल टू, अब हमें ये देखना है कि अगर आई लेस देन जे है तो जीरो आए, तो अब यहाँ पर देखो ए वन वन में आई और जे क्या है, आई और जे आर ए वन एंड वन, आई इज इक्वल टू वन एंड जे इज इक्वल टू वन, इक्वल हुआ आई और जे इक्वल हुआ, यस मैम। तो अगर आई इक्वल टू जे है तो ए वन वन की वैल्यू क्या आ गई, वन वन। अब ए वन टू की वैल्यू क्या आएगी, ए वन टू की वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखो कौन सा लॉजिक इस पे चलेगा, आई लेस देन जे है या आई ग्रेटर देन जे है। मैम आई, मैम जो आई है वो ग्रेटर देन जे है, आई ग्रेटर देन जे, ए वन टू, ए वन टू है मैम, सॉरी मैम मैं ए टू वन का बता रही थी, जो आई है वो स्मॉलर देन जे है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, फिर मैम आंसर जीरो होगा। अब ए वन थ्री में आंसर जीरो होगा, अब ए टू वन, ए टू वन में आंसर मैम वन होगा, ए टू टू वन, ए टू थ्री मैम वन, सॉरी मैम जे मैम इसमें जीरो होगा, और फिर ए टू फोर, ए टू फोर में मैम जीरो, ए थ्री वन में मैम वन, ए थ्री टू में मैम जीरो, ए थ्री टू में, ए थ्री टू में वन, ए थ्री में भी वन, ए थ्री फोर में जीरो, ठीक है, समझ आ गया। yes, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया था, वहां पे ऐसे ही कुछ जीरो वन दे रखा होगा या कोई और चीज दी थी, मुझे याद नहीं क्या दिया था, तो उस हिसाब से कर लेंगे हम, समझ आ गया कैसे करने हैं। यस मैम, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो तुम्हारी बुक में एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें दे रखे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसी के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, और मैम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो हमारा डिलीटेड पार्ट है, क्यों, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 एलिमेंट्स हुज मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस रिलेटेड क्वेश्चन, नो मैम सॉरी, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ,
तो ये अब 1 to 5 तक के तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, तुम्हें समझ आ चुकी है। ओके अब इसमें नेक्स्ट चीज जो तुम्हें समझनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में। तो ये जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही थी मैट्रिक्स के, ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? मैम 9 एलिमेंट। 9 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इन अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय एन, जो उसका प्रोडक्ट होता द प्रोडक्ट ऑफ एम है। अब एन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? मैम 3, 4, 12 है ना। इसी तरह से सी में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 8। और इसी तरह से बाकी सब जगह। तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है ऑर्डर को, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एम बाय एन को, तो जो वो आंसर आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तुम्हें एक तरह से इस चीज को नोट में डाल देते हैं। इफ एम बाय एन इज अ मैट्रिक्स एंड एम बाय एन इक्वल टू सम पी, देन P represents number of entries या element of the matrix, number of elements of matrix। ठीक है, समझ आ गई यहां तक बात? Okay. Yes ma'am। अब next thing, जैसे area होता है ना, हम कहते हैं कि rectangle का area 3 by 4 है ना, 3 meter by 4 meter। जब हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है, सॉरी एरिया नहीं, हम कहते हैं रेक्टेंगल की डायमेंशन जो है 3 by 4 है। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। ऐसे यहाँ पर जब हम, ये डायमेंशन ही तो हुई ना मैट्रिक्स की, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो तुम्हें समझनी है और जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आता है, वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में जो दो मैट्रिक्स होंगी वो इक्वल होंगी। टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन एंड बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई जे एंड एम एम बाय एन आर सेट टू बी इक्वल जब उनके सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। इफ दो कंडीशन बनती है, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मैं अभी यहां पर ये नहीं लिखती, सिर्फ इतना ही लिख देती हूँ, फिर इसको बाद में लिख देंगे मैथमेटिकल पॉइंट को। पहले ऐसे ओरल याद कर लो, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेकेंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पोजिशन वाइज, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से? पोजिशन वाइज। तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो पहले तो ये ओरल अपने दिमाग में बैठे। मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का एक एग्जांपल, सेम ऑर्डर का मतलब जैसे एक 2 by 3 है तो दूसरी भी 2 by 3 होनी चाहिए। ओके मैम, तो मतलब अगर वो 2 by 3 होगी तो उसके अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो मतलब वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। ना ना ना, सबसे पहली बात जो दिमाग में बिठानी है कि अगर तुम्हें कोई दो मैट्रिसेस ऐसी दे दे जिनका की ऑर्डर अलग है, एक 2 by 3 दे दी, एक 3 by 2 दे दी,
या एक 3/4 दे दी तो वो मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं था, फिर हम उसके एलिमेंट्स को देखेंगे ही नहीं, इसीलिए पहले मैंने कहा सिर्फ इतना ही दिमाग में बिठाओ। तो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब पहली बात उनका ऑर्डर सेम हो, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऑर्डर सेम होने के बाद जब हम देखेंगे दोनों का ऑर्डर तो सेम है, फिर हम देखेंगे कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पोजिशन वाइज जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो मैट्रिसेस इक्वल, देयर एलिमेंट्स एट द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन आर इक्वल या देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जैसे भी तुम जानते हो। तो एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पोजिशन वाइज जो बनते हैं वो इक्वल होने चाहिए, और दूसरा दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, सेम डेफिनेशन को, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम बाय एन। तो मैंने इक्वल मैट्रिक्स तो ले ही ली है ना, तो दोनों का सॉरी मैंने ऑर्डर इक्वल ले ही लिया, दोनों का एम बाय एन ले लिया, तो ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई, आई जे की जो भी वैल्यू है सबके लिए ए भी इक्वल होना चाहिए, आई जो है वो 1 to m वेरी करेगा और जे जो है वो 1 to n वेरी, ठीक है। तो ये ए आई जे और बी आई जे इक्वल होने चाहिए तो मैट्रिक्स, तो ये मैथमेटिकल वे होता है लिखने का, ये वैसे अपने माइंड में लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ले लो एक्स टू थ्री माइनस वन फोर एक्स प्लस वन और दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू माइनस सिक्स टू थ्री माइनस वन फोर प्लस फाइव इज लेट्स से नहीं, ठीक। और क्वेश्चन आ जाता है फाइंड एक्स कॉमा वाई, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस सिक्स हो जाएगी और y की वैल्यू थ्री हो जाएगी क्योंकि x प्लस y इक्वल टू नाइन है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाइन माइनस सिक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी नाइन माइनस माइनस नाइन प्लस सिक्स इज इक्वल टू 15। तो जल्दबाजी नहीं करनी है पेपर, है ना, ध्यान से करना है। यस मैम। x माइनस सिक्स वाई, जल्दी जल्दी वाली गलतियां नहीं करनी, समझ में आ गया। तो इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड x क्या लिखोगे मैम, फोर क्या बनेगा इसके मैम, लेकिन जैसे अगर हम x का रूट निकालेंगे तो वो प्लस माइनस फोर होगा और यहाँ पे x सिर्फ x की वैल्यू फोर दे रखी है तो वो क्लैश नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ के हिसाब से तो x इक्वल टू फोर है, यही तो क्या है क्वेश्चन में, इसके हिसाब से इसको सिर्फ x इक्वल टू फोर हो सूट कर। यस मैम। अगर x इक्वल टू फोर होगा तो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी, उसमें ना तो x स्क्वायर को प्रॉब्लम हो रही है और ना यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर तुमने आंसर में x इक्वल टू माइनस फोर लिख दिया तो ये वाला तो ठीक हो जाएगा, माइनस फोर पे भी 16 बनेगा,
लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर गलत हो गया ना। यस तो हमने कौन सा आंसर लेना है जिसमें जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन। अब जब पेपर के क्वेश्चंस करोगे ना मैट्रिसेस के, तो ये सारी बातें तुम्हें समझ आ। मैं तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन इस पर ले करा। मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अरिहंत की वो ली है, अरिहंत का क्वेश्चन बैंक लिया है। अब पहले सबसे अपने जो स्कूल के पेपर है ना बेटे वो कर। यस मैम, और आपने जो दिए हैं वो भी। स्कूल के पेपर सबसे पहले करो, क्योंकि स्कूल के पेपर में हमने कोशिश ये करी थी कि सारी चीजें धीरे धीरे कवर हो जाए जो पेपर में पूछी जा सकती। तो एक बार स्कूल वाले पेपर कर लोगे, जैसे मैट्रिसेस तुमने पढ़ ली मेरे से, ठीक है? तो मैट्रिसेस के तीनों जितने भी पेपर हुए, तीन पेपर तो हो ही गए मेरे से तुम्हारे। यस मैम। तो तीनों पेपर में जो जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन आए वो सारे कर। ओके मैम, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, टू माइनस थ्री एक्स वन इक्वल टू टू माइनस थ्री फाइव। अब क्वेश्चन आ जाए फाइंड एक्स, ऐसे आ जाए ए इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू बी, फाइंड एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। मैम सो मैम, तो फिर ए हमें ए इज इक्वल टू बी दे रखा है ना, फाइंड एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। ओके हाँ, एक तरह से वो ये कि एक्स की क्या वैल्यू हो कि ए और बी इक्वल हो, ये पूछ रहा हूँ। x की किस वैल्यू के लिए ए बी इक्वल होंगे? मैम फोर, x मैम पर ए बी इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू फोर, लेकिन फिर ये जो ये लास्ट वाला टर्म है वन एंड वन और फाइव ए और बी का रिस्पेक्टिवली, ये भी तो अलग अलग है। हाँ, इसका मतलब क्या है, हम x को कोई भी वैल्यू दे ए और बी तो इक्वल हो ही नहीं सकता, वन फाइव को तो नहीं चेंज कर सकते। यस मैम, तो फिर इस केस में हम क्या लिखेंगे, there does not exist any value of this for which matrices A and B are equal, ठीक है? समझ आ गया? क्योंकि हम x को कोई भी आंसर दें, a भी इक्वल नहीं हो सकता है, राइट? अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझा देती हूँ। फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी होती है कॉलम मैट्रिक्स? जिसमें ओनली वन कॉलम हो। हाँ, तो तुम्हें पता है तो मैं नहीं लिख रही है ना, वाई टू बेस टाइम डेफिनेशन तो बुक में भी लिखी हुई है, वन कॉलम मतलब एम बाय वन टाइप, ठीक है? इसी तरह से रो मैट्रिक्स ओनली वन रो, वन रो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा हमेशा वन बाय एन, वन रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर वन बाय वन हो तो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स? मैम पता नहीं, पता वन बाय वन मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स, बोथ बोथ ऑफ देम। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? मैम स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हो, एम बाय एम टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है? उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब जो जीरो मैट्रिक्स,
जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो। हाँ, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। जीरो, जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऑल एलिमेंट्स जीरो, और उसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स पूछी जाए तो वो क्या होती है? जिसमें एक भी एलिमेंट जीरो ना हो। एक भी एलिमेंट जीरो ना हो तो क्या होगा मैम? मान लो तुम्हें दे रखा हो मैम, नल मैट्रिक्स के भी तो सारे एलिमेंट जीरो ही होंगे। नहीं, वो तो ठीक है, नल मैट्रिक्स और ये तो सेम ही हो गया ना। मैं कह रही हूँ क्या हो क्या रहा है आप लाइन में पूछ रही। मैं ये कह रही हूँ अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा दे रखा हो I'm saying non-zero matrix. तो non-zero matrix का क्या मतलब? non-zero matrix मतलब जिसमें मैम एटलीस्ट वन, जैसे आपने एग्जांपल लिया है तो फिर उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट है जो कि जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी नॉन। एटलीस्ट वन प्रेस हो गए। At least one element अरे ये अपने आप दिखता जा रहा है मैम। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? वो तो ठीक है, वो क्या रहा है ये मेरे बिना लिखे ही लिख जाता। नॉन जीरो मैट्रिक्स एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। कह रहा बस हो गया पढ़ाई। ठीक है, ओके। अब इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बाकी रह गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एम is a diagonal matrix if aij
थर्टी पे आइए, इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, होती डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि जो भी डायगोनल डायगोनली एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, ठीक है? डायगोनल समझते हो ना स्क्वायर मैट्रिक्स का? यस मैम, है ना? तो जो भी इसमें मीनिंग डायगोनल मैट्रिक्स के दो फीचर, एक फीचर क्या है, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड फीचर क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जब हम ये आई नॉट इक्वल टू जे ये लिखते हैं तो ये नॉन डायगोनल हो जाता है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, ठीक है? समथिंग हैज हैपेंड विद वेक्टर, तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होने चाहिए, राइट? सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है? ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। और तो आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दो टाइप रह रही है, अभी दूसरी क्लास का मेरे ख्याल से टाइम हो रहा होगा, तो वी विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट टाइम, राइट? ओके हरिका, तो आज ऐसे करना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दो टाइप करा दूंगी तुम्हें। एक्सरसाइज 3.1 ये पूरी आज तुम ट्राई कर लोगे, नाउ यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके मैम, तो आज 3.1 तुमने पूरी कर लेनी है बैठ करके, अभी आधा घंटा लगेगा पूरी एक्सरसाइज कर, ठीक है? ओके मैम, विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, राइट? सो वी विल कंटिन्यू टुमारो, क्योंकि अभी वो नेक्स्ट क्लास का एडगुरुज पे टाइम हो रहा है ना, ओके फ्लैश करता, हाँ ओके बेटे।